मुल्क भर के सिनेमा मालिकान ने भारतीय फिल्मों का बॉयकॉट खत्म कर दिया है। आज से फिल्म फ्रीकी अली और पिंक नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी। ये फिल्में पहले ही भारत में रिलीज हो चुकी हैं। पाकिस्तानी प्रोड्यूसर भी फील करते हैं जी, जब तक ये दोनों मिलके नहीं लगें तो एक मेला नहीं बनेगा और रौनक नहीं वापस आएगी, और रौनकों को वापस लाने के लिए जरूरी है कि जी ये सब किस्म के प्रोडक्ट लगें। पाक भारत सरहदी कशीदगी और पाकिस्तानी फनकारों को भारत से निकाले जाने के बाद 28 सितंबर को सिनेमा मालिकान ने भारतीय फिल्मों की नुमाइश रोक दी थी। पहले ये पाबंदी 2 हफ्तों के लिए लगाई गई थी। दूसरी जानब पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश के खिलाफ फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया है। पहले हमारे सिनेमा वाले जो चलाते थे वो फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करते थे एडवांस की सूरत में, एमजी की सूरत में। अब हमारे जो अपने पैसे होते हैं वो एक एक साल, हमारा चाहे फिल्म अच्छी चाहे बुरी जाए, एक साल हमें पेमेंट नहीं मिलेगी तो हम किस तरह सरवाइव करेंगे और किस तरह नई फिल्म बनाएंगे। साबिक फनकारों की बड़ी तादाद ने भी भारतीय फिल्मों की दोबारा नुमाइश को नुकसानदेह करार दिया है। फनकार कहते हैं ये फैसला बहाली की तरफ गामजन, लॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री के हक में नहीं है।